मेरे साथ बोलिए भारत माता की। ऐसे नहीं, कलकत्ता तक बहरी ममता बनर्जी सरकार के कानों तक आवाज गूंजनी चाहिए। दोनों हाथ उठाकर परिवर्तन के संकल्प की मुट्ठी खींच कर मेरे साथ बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित पश्चिम बंगाल भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्रीमान दिलीप घोष जी, हमारे सह संगठन मंत्री श्रीमान शिव प्रकाश जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव श्रीमान राहुल सिन्हा जी, ममता जी के साथ से ही आए हुए और जिन्होंने ममता को उखाड़ फेंकने का प्रतिज्ञा किया है, ऐसे हमारे मुकुल रॉय जी, हमारे वरिष्ठ नेता समीक भट्टाचार्य जी, प्रदेश उपाध्यक्ष श्री सुभाष सरकार जी, श्रीमती लोकेट चटर्जी जी, यहाँ के लोकप्रिय जिला अध्यक्ष श्री विद्यासागर चक्रवर्ती जी, हमारे संगठन मंत्री श्री सुब्रतो बैनर्जी जी और आज पुरुलिया के हमारे शहीद कार्यकर्ता त्रिलोचन महतो, दुलाल कुमार और जगन्नाथ टुंडू को श्रद्धांजलि देने के लिए लाखों की संख्या में आए हुए मेरे प्यारे भाई और बहनों, मित्रों, मैं अभी तारापीठ से माँ तारा का दर्शन कर आ रहा हूं और मैं माँ तारा के पास प्रार्थना कर आया हूं कि माँ हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को इतनी शक्ति जरूर देना, ये हिंसा करने वाली ममता बनर्जी सरकार को हम उखाड़ कर फेंक सके। पश्चिम बंगाल में अभी अभी पंचायत के चुनाव हुए हैं, पंचायत के चुनाव गांव का नेतृत्व करने वाली पंचायत चुनने के लिए, पंचायत के चुनाव कोई कलकत्ते की सरकार तय करने के लिए नहीं होते हैं। ममता बनर्जी की कुर्सी को कोई खतरा नहीं था, छोटी छोटी पंचायतों में हमारे छोटे छोटे कार्यकर्ता चुनाव लड़ना चाहते थे, उनको पर्चा नहीं डालने दिया, कोर्ट ने दखल दी, पर्चा डालने दिया तो लोगों को वोटिंग नहीं करने दिया, वोटिंग हुआ उसमें भी भारतीय जनता पार्टी जीती तो हमारे तीन नौनिहाल कार्यकर्ताओं की निर्मम हत्या कर दी गई, निर्मम हत्या। ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस पार्टी अगर ये समझती है कि हिंसा के तांडव से बंगाल के अंदर इनकी सरकार बनी रहेगी, तो मैं आज पुरुलिया के मंच पर से चैलेंज देकर जाता हूं कि हमारे कार्यकर्ता का लहू रंग लाएगा, आपकी सरकार अब लंबे समय नहीं चल सके। भारतीय जनता पार्टी के 20 से ज्यादा कार्यकर्ताओं को चुन चुन कर मारा गया और मारने में भी युवा कार्यकर्ताओं की पसंदगी की गई। हमारे कार्यकर्ताओं पर गलत प्रकार के केस डाल दिए गए हैं, उनके घर पे जाकर हमले होते हैं, उनको भयभीत करने का काम तृणमूल कांग्रेस के गुंडे कर रहे हैं। मित्रों, ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सितम ढाने वालों का समय लंबा नहीं होता है। मैं
से पूरी बंगाल की जनता को कहना चाहता हूं कि हिंसा बंगाल की संस्कृति नहीं। ये वही बंगाल है जहां रामकृष्ण और विवेकानंद, यही बंगाल है जहां बंकिम चंद्र जी हुए, यही बंगाल है गुरुवर टागोर ने यहां शांति निकेतन बनाया, यही बंगाल है जहां जगदीश चंद्र बासु हुए, शरद चंद्र जी हुए, और यही बंगाल है जहां मेरी पार्टी के अध्यक्ष श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे वरिष्ठ नेता को जन्म। ये बंगाल कभी रविंद्र संगीत की धुन पर घूमता था, रविंद्र संगीत की धुन पर नाचता था, वो बंगाल में टीएमसी ने बम धमाकों की गूंज में रविंद्र संगीत को लुप्त करने का काम ममता बनर्जी की टीएमसी सरकार। मित्रों, ये जो चुनाव हुआ है, ये चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी के 20 कार्यकर्ता मारे गए, 1341 कार्यकर्ता घायल हुए और कुल 65 हत्याएं हुई और लगभग 2 करोड़ लोगों को, मैं जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, 2 करोड़ लोगों को अपना वोट डालने नहीं दिया। इसके बावजूद कि बंगाल की 7000 ग्राम पंचायत में भारतीय जनता पार्टी का झंडा बुलंद कराने का काम मेरे सामने बैठे हुई जनता ने किया। बंगाल के अंदर 7000 स्थानों पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आज पंचायत में चुन कर आए, वो ही बताता है कि अगली बार किसकी सरकार बनने वाली है। मुझे बताओ, 2019 में चुनाव होने वाला है और 2019 का चुनाव अगली बंगाल सरकार की नींव डालने वाला है। मुझे बताओ, 2019 में यहां से किस पार्टी को बहुमत मिलने वाला है? जरा जोर से बोलो भैया, जोर से बोलो, जोर से बोलो। भारतीय जनता पार्टी बंगाल ने एक नारा दिया है, हम एक के बाद 19 राज्यों में चुनाव जीतकर भाजपा का रथ बंगाल में पहुंचा है। हम महाराष्ट्र जीते, हरियाणा जीते, झारखंड जीते, हम आसाम जीते, मणिपुर जीते, नागालैंड जीते, मेघालय जीते, उत्तराखंड जीते, उत्तर प्रदेश जीते, गुजरात जीते, गोवा जीते, हर जगह भारतीय जनता पार्टी का झंडा निकला है। अब किसकी बारी है? जरा जोर से बोलो, किसकी बारी है? और जोर से बोलो, किसकी बारी है? मेरे साथ बोलिए, ए बारी। बीजेपी सरकार नहीं, बांग्ला की सरकार। बीजेपी सरकार ही पश्चिम बंगाल की जनता का विकास कर सकती है मित्रों, और कोई पार्टी विकास नहीं कर सकती है। पश्चिम बंगाल के अंदर अभी मैं आया था, रोड पर आया, ऐसी ही अपार भीड़ रोड पर है। ये मेरे पत्रकार मित्र जाएंगे तब मालूम पड़ेगा, बसें आ भी नहीं पाई, पूरा रोड भरा पड़ा है। 1.5 घंटे के बाद मैं यहां पहुंचा हूं, 1.5 घंटा आने में हुआ, इतने कार्यकर्ता रोड पर फैले पड़े। और वहां पर मुझे समझ में आई, इसलिए ममता दी ने हिंदी में बैनर लगाए हैं, अच्छी बात है भाई। मुझे मेरे सहयोगी पढ़वा ही देते, मगर आपने हिंदी में बैनर लगाए क्योंकि मैं समझ। इस पर लिखा है, बंगाल के उज्जवल भविष्य के लिए, बंगाल के विकास के लिए यशस्वी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। ममता जी, मैं आपको सवाल पूछना चाहता हूं, पुरुलिया जिले में मेरी बंगाल की माताओं को 5 किलोमीटर दूर से पानी लाना पड़ा है,
आजादी के 70 साल के बाद उनके घर में अब तक पानी क्यों नहीं पहुंचा। मेरी माताएं बताएं, यहां पर भाइयों बताओ, आपके घर में शुद्ध पीने का पानी आया है क्या? जोर से बोलो, आया है। बंगाल के पुरोलिया के गरीब के घर में बिजली पहुंची है क्या? जोर से बोलो, पहुंची है। रोजगारी मिलती है, राशन मिलता है। विकास ममता दी, बंगाल का नहीं हुआ, तृणमूल कांग्रेस के गुंडों का विकास हो गया, बंगाल का विकास नहीं। जब आजादी मिली तभी हमारा पश्चिम बंगाल देश के अंदर सबसे विकसित राज्यों में गिना जाता था। सुजलाम सुफलाम भूमि थी, देश का पेट भरने के लिए चावल यहां से जाता था। जब आजादी मिली बंगाल का जीडीपी में हिस्सा, देश की इनकम में हिस्सा 25% था। 25%, जोर से बोलो कितना था? एक कम्युनिस्ट और ममता बनर्जी के शासन में कम होकर अब 4% रह गए, 4% रह गए। 25% से 4% लाने का काम ये तृणमूल कांग्रेस ने किया है। जब जनता ने परिवर्तन किया तब ममता बनर्जी ने वादा किया था, मां माटी मानुष, किया था या नहीं किया था? बंगाल के विकास का दावा किया था या नहीं किया था? उस वक्त बंगाल की जनता का सार्वजनिक ऋण 1,92,000 करोड़ था। बंगाल की जनता पर 2,00,000 करोड़ का ऋण था। आज ममता दी आपके शासन के बाद 2,00,000 करोड़ से बढ़कर 3,50,000 करोड़ हो गया। इतना गलत आपने किया है। बैंक की डिपॉजिट भी कमी घट कम हो गई, क्रेडिट का हिस्सा बंद हो गया, सारे कल कारखाने बंद हो गए। बम बनाने के अलावे बंगाल में कोई कारखाना चलता नहीं है, सिर्फ बम बनाने की फैक्ट्री चलती है। मित्रों, जिस प्रकार से ये ममता बनर्जी का शासन चलता है, नरेंद्र मोदी सरकार जो विकास भेजना चाहती है वो भी नीचे नहीं। अभी नरेंद्र मोदी सरकार ने तय किया है कि हम देश के 10 करोड़ परिवारों को, 50 करोड़ लोगों को 5,00,000 तक का हेल्थ का इंश्योरेंस देके स्वास्थ्य की सारा खर्चा केंद्र सरकार उठाना चाहती है। गरीबों को हॉस्पिटल में जाना पड़े सरकार, नरेंद्र मोदी सरकार पैसा देगी। दवाई चाहिए, नरेंद्र मोदी सरकार। टेस्ट करना है नरेंद्र मोदी सरकार। ऑपरेशन करना पड़े नरेंद्र मोदी सरकार पैसा देगी। ममता दी कह रही है बंगाल को जरूरत नहीं। जरूरत है या नहीं है भाई? मुझे पुरुलिया वालों बताओ, गरीब परिवार को 5,00,000 के स्वास्थ्य बीमा की जरूरत है या नहीं है? जरूरत है या नहीं है? ममता बनर्जी की सरकार, टीएमसी सरकार कह रही है 5,00,000 का बीमा उनको नहीं चाहिए। इसलिए कह रही है कि नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता बढ़ रही है। हम गैस का सिलेंडर भेज रहे हैं, शौचालय भेज रहे हैं, मुद्रा बैंक के माध्यम से लोगों के लिए रोजगार भेज रहे हैं। मगर ये सारी योजनाएं टीएमसी सरकार नीचे तक पहुंचने नहीं देती है। फिर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने टीएमसी सरकार को बहुत मदद किया है। जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, यूपीए 1 और यूपीए 2, यूपीए 1 में ममता बनर्जी हिस्सेदार थी, टीएमसी पार्टी हिस्सेदार थी। यूपीए 2 में 13th फाइनेंस कमीशन, 13वां वित्त आयोग आया, 1,32,000 करोड़ बंगाल को भेजे थे। जरा जोर से बोलो मित्रों, कितने भेजे थे? 1,32,000 करोड़। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, नरेंद्र मोदी सरकार आई, उसने 14वें वित्त आयोग में, 14th फाइनेंस कमीशन में 1,32,000 को बढ़ाकर
3,60,000 crore रुपया ममता को भेजने का काम किया है। आपको कुछ मिला है भाई? आपके गांव में बिजली 24 घंटा आती है, पीने का पानी आता है, हर गांव रोड से जुड़ चुका है, बच्चों के लिए अच्छी स्कूल बनी है, अस्पताल बने हैं। अरे मैं पूछना चाहता हूं, जो 3,59,000 करोड़ रुपया, 3,60,000 करोड़ रुपया नरेंद्र मोदी जी ने बंगाल के विकास के लिए भेजा, पुरुलिया के विकास के लिए भेजा, वो 3,60,000 करोड़ रुपया कहां गया? बोलो भैया कहां गया? दिल्ली से तो नरेंद्र मोदी जी ने भेजा है, आप तक पहुंचा नहीं है, बीच में कौन आता है? जरा जोर से बोलो कौन आता है? जरा जोर से बोलो कौन आता है? 3,60,000 करोड़ रुपया जो भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने बेचा है, टीएमसी की सिंडिकेट के भेंट चढ़ गया है, बंगाल के गरीब के घर तक नहीं। मित्रों, इस प्रकार से बंगाल के विकास का स्वप्न हम नहीं देख सकते। आज बंगाल के नए उद्योग लगाने की जरूरत है, इसकी तरह इसकी जगह यहां सैन्य माफिया पनप रहे, यहां कोयला माफिया पनप रहे, यहां कैटल माफिया पनप रहे, और अवैध तस्करी के माध्यम से बांग्लादेश से ड्रग आ रहा है, ड्रग आ रहा है। मुझे बताओ मित्रों, ये बांग्लादेशी घुसपैठियों को ममता सरकार रोक सकती है क्या? जोर से बोलो रोक सकती है क्या? और जोर से बोलो रोक सकती है क्या? रोकना चाहिए नहीं रोकना चाहिए? जोर से बोलो रोकना चाहिए नहीं रोकना चाहिए? अगर आप रोकना चाहते हो तो टीएमसी सरकार को मूल समेत उखाड़ कर फेंक दो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाओ, तभी जाकर ये सारे माफियाओं पर कंट्रोल आ सकता है, तभी जाकर बांग्लादेशी रोक सकते हैं, तभी जाकर घुसपैठ रोक सकती है। अभी चुनाव हुआ त्रिपुरा में, वहां पर भी घुसपैठ होती थी, वहां की जनता ने तय किया चलो पलटाई। क्या तय किया? और जोर से बोलो क्या तय किया? और वहां से कम्युनिस्टों की सरकार को उखाड़ कर फेंक दिया। आज त्रिपुरा विकास के रास्ते पर चल पड़ा है, और बांग्लादेश की सरहद से आदमी तो छोड़िए, तस्करी तो छोड़िए, परिंदा भी पैर न मार पाए, इस प्रकार की व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने त्रिपुरा की बॉर्डर पर। अगर बंगाल का विकास करना है, बंगाल में से भ्रष्टाचार उखाड़ना है, ये चिट फंड वालों को सत्ता के गलियारों से बाहर उखाड़ना है, ये सिंडिकेट वालों को सत्ता में से बाहर फेंकना है, तो बंगाल के अंदर परिवर्तन करना पड़ेगा। मित्रों, बंगाल के अंदर परिवर्तन करना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी सरकार ने केंद्र में सत्ता मिलने के बाद लगभग 4 करोड़ गरीब महिलाओं को गैस के चूल्हे देने का काम किया, 7.5 करोड़ लोगों के घर में टॉयलेट बनाने का काम किया, 2 करोड़ गरीब लोगों को आवास देने का काम किया, 1.5 करोड़ से ज्यादा गरीब लोगों के घर में बिजली पहुंचाने का काम किया, 30 करोड़ गरीब घरों में बैंक अकाउंट पहुंचाने का काम किया है। पूरे देश में 2 रुपया किलो चावल नरेंद्र मोदी सरकार भेजती है और 2 रुपया किलो गेहूं भेजती है। पुरुलिया वालों बताओ भाई, आपको 2 रुपया किलो वाले चावल हर महीना मिलते हैं क्या? जरा जोर से बोल दो मिलते हैं? जरा जोर से बोलो मिलते हैं? जो सरकार गरीबों का चावल बेच खाए उसको सत्ता पर रहने का, एक दिन के लिए सत्ता पर रहने का अधिकार नहीं। मित्रों, अभी अभी ममता जी महागठबंधन बनाने में जुटी, पूरे देश के सारे लोगों को एकत्रित कर रही है। मैं उनको कहना चाहता हूं,
ममता जी महागठबंधन तो बनाइए जरूर, हम भी चाहते हैं कि एक अच्छा चुनाव, खुले माहौल में चुनाव, महागठबंधन बने, इससे हमें आपत्ति नहीं है, मगर पहले जरा अपना बंगाल संभाल लीजिए, नीचे से जमीन खिसक रही है, जमीन खिसक रही है। आज बंगाल के अंदर 2014 में भारतीय जनता पार्टी चौथे नंबर पर थी, बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी दूसरे नंबर पर आई है और 2019 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 22 से ज्यादा लोकसभा सीट जीतकर बंगाल में नंबर एक पार्टी बनने वाली है। मित्रों, नंबर एक पार्टी बनने वाली ये 22 सीट कल हमारे अध्यक्ष जी ने गिना है, उसमें पुरुलिया मैंने बाकी रखवाया था। मैंने कहा था पुरुलिया जा रहे हैं, पूछकर ही लिखेंगे। बताओ भाई, आपका लोकसभा सीट कौन जीतने वाला है? जरा जोर से बोलो, कौन जीतने वाला है? तो 22 के साथ 23वां जोड़ दो। नरेंद्र मोदी जी के हाथ मजबूत करेंगे, कमल के निशान पर वोट लगाएंगे, यहां से ममता बनर्जी की सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। हमारे शहीद तीनों कार्यकर्ताओं को श्रद्धांजलि यहां की लोकसभा सीट जीत कर देंगे। ऐसे दमखम के साथ बोलिए, ऐसे नहीं भैया। पुरुलिया में कौन जीतेगा जोर से बोलो, पीछे तक जाना चाहिए रोड तक, और जोर से बोलो कौन जीतेगा, और जोर से बोलो कौन जीतेगा। तो नरेंद्र मोदी जी पे, नरेंद्र मोदी जी के लिए कमल के निशान पर वोट करेंगे, जोर से बोलिए दम लगाकर करेंगे, भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे, बंगाल के अंदर परिवर्तन करेंगे, टीएमसी सरकार हटाएंगे, भाजपा सरकार लाएंगे। तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाकर परिवर्तन के संकल्प की मुट्ठी भींच कर जोर से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, बोलो जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, वंदे मातरम।